नमस्कार बच्चों, सभी का स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने फॉर्मल रिप्लाई के कई क्वेश्चन देखे थे। आज हम देखेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई। यहाँ एक प्रश्न ये देख लें, एक और कराऊंगा, उसके बाद ही आपकी इन्विटेशन रिप्लाई खत्म हो जाएगी। देखो, यहाँ एक कंडीशन है इनफॉर्मल रिप्लाई में। आप जानते हो, हमने पहले बताया था कि इनफॉर्मल रिप्लाई एक लेटर की तरह लिखा जाता है। सबसे पहले गेस्ट का पता हम उसमें भी लिखते थे, फॉर्मल में भी, यहाँ भी लिख रहे हैं, लेकिन उसमें जो प्राप्त करने वाला है उसको नहीं लिखा जाता था। यानी कि जिसको हम रिप्लाई भेज रहे हैं, अर्थात जो लेटर प्राप्त करने वाला है, उसका नाम यहाँ पर आ रहा है। तो ये किसको लिखा जा रहा है? होस्ट को। वही रिप्लाई गेस्ट के द्वारा होस्ट को दिया जाता है। बात समझ में आई? रिप्लाई गेस्ट के द्वारा होस्ट को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ गेस्ट अपना पता लिख रहा है, अर्थात जो पत्र लिखने वाला है वो अपना पता लिख रहा है। किसको लिख रहा है? डियर लगाकर यहाँ होस्ट का नाम आ जाएगा। उसके बाद आप देखें, कुछ कॉमन लाइन है, ये आप सेम रख सकते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ टू रिसीव दिस इन्विटेशन, इस आमंत्रण को स्वीकार करके, ऑन दिस ग्रेट, ऑन द ग्रेट ओकेजन ऑफ, इस महान अवसर पर। यहाँ पर कार्यक्रम का नाम आ जाएगा। अवसर क्या है, क्या फंक्शन मनाया जा रहा है, उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ऑन लगाकर यहाँ पर तारीख आएगी, एट लगाकर यहाँ पर समय आएगा, और यहाँ पर योर रेजिडेंस। एक बात मैंने आपको बताई थी कि इनफॉर्मल रिप्लाई सेकंड पर्सन में लिखा जाता है, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, माई, मी और वी अवर अस होते हैं, और सेकंड पर्सन का यू और यू, ये होते हैं। तो ये हमें याद रखना है। यहाँ पर देखो, मैं कौन है? यहाँ पर गेस्ट। मैं बहुत खुश हूँ आपके इस आमंत्रण को प्राप्त करके। कहाँ पर जो कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? तुम्हारे घर। तो यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट पर्सन काम में हम लेते हैं वो होता है पत्र लिखने वाला, अर्थात रिप्लाई देने वाला। कौन होता है? गेस्ट। तो गेस्ट के लिए हम फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे और होस्ट के लिए हम सेकंड पर्सन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ गया योर रेजिडेंस। आई वांट टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर आपके द्वारा मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, मैं वास्तव में बहुत उत्साहित हूँ टू अटेंड दिस फंक्शन, इस समारोह में उपस्थित होने के लिए। आई विल डेफिनेटली जॉइन यू, मैं निश्चित रूप से आपके साथ आऊँगा। अब यहाँ देखो, ये जो वर्ड है ये आई, इसको क्या बोलेंगे? आइल। आइल का मतलब आई विल भी कह सकते हैं हम, और आई शैल भी कह सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ देखो, डेफिनेटली, क्योंकि हमने फ्यूचर टेंस में पढ़ा है कि आई के साथ क्या लगाते हैं? शैल। बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं? विल। लेकिन जब इनका यूज आई के साथ जब हम विल लगा देंगे तो ये एक प्रॉमिस बन जाएगा। तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आई लिखा इसलिए डेफिनेटली आप लिख दो। आई डेफिनेटली जॉइन यू, फिर निश्चित रूप से आपके यहाँ सम्मिलित हो जाऊँगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोमेंटस ओकेजन, इस महान अवसर की आशा में आपका, और यहाँ पर क्या जाएगा? गेस्ट का नाम। तो ये एक प्रारूप के रूप में आप यूज करेंगे इसका। अब यहाँ देखो, एक प्रश्न है कि यू आर महम शर्मा, आप महम शर्मा हैं, यू हैव रिसीव्ड, आपने प्राप्त किया है एक इन्विटेशन, किसकी तरफ से? योर फ्रेंड अभिषेक गुप्ता की तरफ से, टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, उसके जन्मदिन पार्टी में उपस्थित होने के लिए 25 जुलाई 2020 को शाम को 7 बजे। कहाँ पर? उसके निवास पर। तो राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, वहाँ क्या लिखा था? फॉर्मल रिप्लाई, और यहाँ क्या लिख रहा है? इनफॉर्मल रिप्लाई, ठीक है। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इस आमंत्रण को स्वीकार करके। तो यहाँ देखें, इसको स्वीकार करके, तो एक बार ये आप प्रारूप बनाए, उसके बाद हम इसमें प्रश्न जोड़ेंगे।
ये प्रारूप आप नोट करें। अब यहां देखें कि प्रश्न के हिसाब से हम इसको सेट कैसे करेंगे। हमें पता है प्रश्न में दे रखा है कि यहाँ पर यू आर मैं, प्रश्न में नाम दे रखा है। पिछले प्रश्नों में तो नाम नहीं आता था कि आप, पहले तो ये आता था कि आपको आमंत्रित किया गया, लेकिन यहाँ पर दिया है कि आप कौन है। तो आपका नाम बैंक है तो आप कौन हो गए, यहाँ पर कौन हो गए, गेस्ट। आपको आमंत्रित किया गया है किसके द्वारा, तुम्हारे अभिषेक के द्वारा, तो अभिषेक कौन हो गया, होस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। किसका एड्रेस, गेस्ट का। तो आप लिख दें हाउस नंबर 25 गांधीनगर बयाना। कोई भी लिख दे एड्रेस। अब यहां देखो डियर, होस्ट का नाम आएगा, यहाँ संबोधन है, सैल्यूटेशन है, किसके लिए कर रहे हैं हम, होस्ट का नाम आएगा। तो होस्ट का नाम यहाँ पर अभिषेक गुप्ता लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए कार्यक्रम का नाम क्या लिखेंगे हम, प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है हिज बर्थडे पार्टी। हिज किसके लिए यूज हो रहा है, अभिषेक के लिए। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, पत्र लिखने वाला यानी कि गेस्ट। सेकंड पर्सन कौन है, जिसके लिए हम भेज रहे हैं अर्थात होस्ट। तो ये सेकंड पर्सन होस्ट के लिए है, तो किसका जन्मदिन है, अभिषेक का। अभिषेक कौन है, होस्ट। तो यहाँ पर इसके लिए क्या लगेगा, योर। तो यहाँ लिख देंगे योर बर्थडे पार्टी। फोन लगाकर यहां देखें तारीख प्रश्न में दे रखी है 25 जुलाई 2020। ठीक है, फिर एट लगाकर समय प्रश्न में दे रखा है। कहने का मतलब ये पूरी डिटेल आपको प्रश्न में से लिखनी है, ये लिखा हमने। अब यहाँ देखो योर रेजिडेंस दे रखा है, यहाँ पर प्रश्न में तो क्या दिया था, देखो हिज रेजिडेंस, तो अभी मैंने बताया हिज को बदल देंगे किस में, योर में, तो योर रेजिडेंस आ गया। आई वांट टू थैंक यू, ठीक है, फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस ओकेजन। पूरी लाइन आ गई, ये भी पूरी आ गई, ये भी पूरी आ गई। अब लास्ट में क्या बदलना है हमें, गेस्ट का नाम। तो गेस्ट कौन है, मैं मयंक शर्मा, पूरा नाम लिख सकते हैं आप। ये आपका हो गया असेप्टिंग, इनफॉर्मल का असेप्टिंग। अगर कोई भी फैमिली फंक्शन है जिसमें एक रिलेटिव के द्वारा दूसरे एक व्यक्ति के द्वारा अपने रिलेटिव को आमंत्रित किया जा रहा है, तो वो रिलेटिव यानी कि वो गेस्ट आपको जब रिप्लाई देगा, यानी कि उस होस्ट को रिप्लाई देगा, तो इस तरीके से हमें रिप्लाई बनाना है। अब यहाँ देखें, अगर प्रश्न में यहाँ देखो असेप्टिंग ना होकर के असेप्टिंग के स्थान पर डिक्लिनिंग या रिफ्यूजल या नॉट बीइंग एबल टू अटेंड, आप समर्थ नहीं हो उपस्थित होने में, इनमें से कुछ भी दिया हो, अर्थात ये क्या हो गया, डिक्लिनिंग का पार्ट हो गया। अगर यहाँ पर एक शब्द बदल दिया जाए, मतलब डिक्लिनिंग के लिए, मना करने के लिए आए, तो इस प्रारूप में आपको क्या बदलना है, देखिए, तो इस प्रारूप में आपको क्या बदलना है। देखो ये पूरी लाइन आप सेम लिख सकते हैं, यहाँ कार्यक्रम का नाम पूरा सेम आ जाएगा, ये सब कुछ प्रश्न में से पूरा आ जाएगा, धन्यवाद भी देगा वो उसमें उपस्थित होने के लिए क्या है, उत्साहित है, ये भी वो कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो निश्चित रूप से उसमें आएगा ये लाइन नहीं आएगी एक तो, और वो उसकी आशा में है ये नहीं आएगी। कहने का मतलब ये लाइन नहीं आएगी,
ठीक है, इस लाइन को हम इसमें नहीं लिखेंगे। इस लाइन के स्थान पर हमें क्या लिखना है, देखो यहाँ लिखा है कि व्हाट आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर दी डेज, क्योंकि इन दिनों में बुखार से पीड़ित हूँ। एक बात याद रखें कि इनफॉर्मल में आपको कारण पर्सनल देना है, इनकी अपना खुद का निजी व्यक्तिगत। तो इस लाइन के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे व्हाट आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई वुडंट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन बिकॉज because I am suffering from fever। यहां पर आप शुभकामनाएं और दे दो तो लिख देंगे please accept my best wishes। और यहाँ पर लिख दो yours और नाम आ जाएगा। तो ये परिवर्तन हमें कौन से में करना है, अगर प्रश्न में declining आ जाए, मना करने के लिए आ जाए, तो आपको मैंने बताया अभी ये लाइन इस तरह से यहाँ बदलनी है। तो आप देखिए इनफॉर्मल रिप्लाई में एक तो accepting और एक declining, तो इस तरह से प्रश्न आपका कोई भी आ जाए आपको ये प्रारूप याद रखना है और प्रारूप में प्रश्न में से किस तरह से हमने ये सेट किया ये आपको देखना है। तो थोड़ा सा समझ लें और एक बार पढ़ें, इसको बार बार पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाएँ, क्योंकि आपको अभी बहुत अच्छी चीज़ें आगे मिलने वाली हैं। ये तो एक सरल टॉपिक है, कुछ बच्चों ने पढ़ भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन हो रहा है। और इसको भी दोबारा से पढ़ें और इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलें और अभ्यास में लाएं। थैंक यू।